जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो रशिया का यूक्रेन पर जो इन्वेजन चल रहा है उसका अब यहां पर एक अलग मोड जो है वो आ गया है। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की भी अब यहां पर बात हो रही है। उसी के साथ साथ जो यूक्रेन के गार्ड्स है वो अब भारतीय छात्रों पर आक्रमण भी कर रहे हैं। तो क्या है अपडेट्स रशिया यूक्रेन वॉर की, इसको अब हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले MM Academy ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा दिला सकते हैं। यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, मतलब एनिमेशंस के साथ आपको जितनी भी चीजें हैं प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड कीजिए MM Academy ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो अगर आपने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सुना है तो वर्ल्ड वॉर टू की जो यादें हैं वो बहुत ही खतरनाक हमें देखने को मिलती है। और अगर आपने वर्ल्ड वॉर टू के बारे में सुना है तो आपने जो हिरोशिमा है, नागासाकी है, उनके बारे में जरूर सुना होगा। और क्यों सुना होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियर अटैक है वो उन पर किया गया था और ये अटैक इतना भयानक था कि समझ लीजिए कि पूरी दुनिया जो है वो दहल गई थी। और पूरी दुनिया दहलने की वजह से अब यहाँ पर ये माना गया था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सही नहीं है और वो किसी भी देश पर इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। अब जहां हमें रशिया का इन्वेजन देखने को मिल रहा है यूक्रेन पर, तो ये बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर नहीं लेकिन रशिया वर्सेस वेस्ट वॉर जो है ये बन चुका है। अब डायरेक्ट सोल्जर इन्वॉल्व ना होने की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल जो बहुत सारे देश है वो आर्म्स एनिमेशन जो है वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हम ये मान सकते हैं कि भाई प्रॉक्सी वॉर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर रशिया वर्सेस वेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, ईगो की वॉर भी देखने को मिल रही है। रशिया को रोकने के लिए वेस्ट की तरफ से सैंक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर रशिया जो है उसने ये बोलना है कि अगर सैंक्शन कोई देश लगा रहा है तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर ही है। मतलब वॉर जो है वही वहां पर हमें देखने को मिल रहा है और इतने भयानक सैंक्शन लगाए गए हैं कि रशिया की जो इकोनॉमी है पूरी की पूरी तहस नहस हो सकती है। मतलब समझ लीजिए एक तरीके का जो इंटरनेट है वही गायब करने की कोशिश की जा रही है रशिया से। और अगर ऐसा हो रहा है तो रशिया जो है वो तिलमिलाया है और उसी वजह से अब यहाँ पर पुतिन के द्वारा जो न्यूक्लियर फोर्सेस है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। मतलब अब न्यूक्लियर वॉर जो है उसकी भी रिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। रशिया के द्वारा, पुतिन के द्वारा पहले ही ये कहा गया था, वॉर्न किया गया था कि अगर कोई भी बाहर का देश दखलंदाजी करने की कोशिश करे तो फिर यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर जो है वो भी हो सकती है। और इसी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं रखा है, लेकिन स्टिल खुलेआम जो यूक्रेन है उनको वॉर में एनिमेशंस, जो इक्विपमेंट्स है वो बिल्कुल वो सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रशिया के पास हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अगर हम देखें तो उनसे भी ज्यादा यहाँ पर रशिया जो है उनके पास देखने को मिलते हैं। बेसिकली वॉरहेड्स सभी कंट्रीज के पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उसमें हमें USA, UK, रशिया, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सभी के पास देखने को मिलते हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों के पास है। तो इसी वजह से इंडिया के ना ही चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है ना ही पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और चाइना दोनों यहाँ पर न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ इंडिया जो है जब उसे न्यूक्लियर पावर यहाँ पर बना तो उसके बाद इंडिया पर भी सैंक्शन जो है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन इंडिया जो है वो अड़ा रहा कि नहीं भाई न्यूक्लियर वेपन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक डर, क्योंकि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी अपनाई है कि पहली बार हम इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी ने हम पर इस्तेमाल किया तो फिर हम फोड़ देंगे, फिर हम बहुत ही बुरी तरीके का रिटेलिएशन जो है वो होगा। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरा वो बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर उसी की वजह से जो प्रोलिफरेशन है न्यूक्लियर वेपन का वो नहीं होना चाहिए, जो न्यूक्लियर वेपन है उनका एलिमिनेशन होना चाहिए। इसी वजह से इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है ये भी यहाँ पर रखा गया है। 2013 में UN जनरल असेंबली ने 26 सितंबर को, ये क्वेश्चन काफी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर एबोल्यूशन डे, ये यहाँ पर रखा है।
ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका कंप्लीट एलिमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन कोई भी वॉर को जीतने के लिए ये एक वेपन की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एक अलग ही चीज है ना। तो ये बेसिकली क्या है कि एक बहुत ही पुराना गोल है, खासकर अगर इंडिया की बात करते हैं तो बहुत ही पुराना गोल है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए, और उसके लिए जो न्यूक्लियर वेपन है उसका डिसआर्मामेंट होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी वजह से ये दिन जो है हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया जो है उसे तैनात कर दिया है, उसने तो बोल दिया है कि नहीं भाई हम यहाँ पर हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है उनको तैनात रख रहे हैं। अब जो सैंक्शंस है इसके वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि अब यूक्रेन जो है वो इस वजह से डरा हुआ है और यूक्रेन अब तैयार हो गया है कि भाई हम भी यहाँ पर अब रशिया के साथ जो है बात करने के लिए तैयार है बिना किसी कंडीशन के। तो अब यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, जहां पर यह है कि न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनका पॉलिफरेशन, उसका विस्तार जो है वो नहीं होना चाहिए, और जो भी इसको साइन करता है वो समझ लीजिए कि वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं रख सकता है। सिर्फ परमानेंट फाइव मेंबर जो है वो साइन करने के बावजूद अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, और इसी वजह से इंडिया जो है उसने यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको साइन नहीं किया है। इंडिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिवाइस जो है वो 1974 में यहाँ पर किया था, देन उसके बाद सीरीज ऑफ मतलब पोखरण जो टेस्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके बाद सैंक्शन जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, खासकर अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है कि यूक्रेन जो बॉर्डर है, क्योंकि यूक्रेन से पोलैंड की तरफ जो स्टूडेंट्स वहां पर इतने सारे फंसे हुए तो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं, एंड देन उसके बाद पोलैंड से उनको जो इवैक्यूएशन है वो किया जा रहा है। मगर बहुत सारे ऐसे वीडियोज जो है बाहर निकल कर आए हैं जहां पर ये देखा गया कि इंडियन स्टूडेंट्स जो माइग्रेट हो रहे हैं पोलैंड की तरफ, वहां पर उनको जो यूक्रेन गार्ड्स है उनके द्वारा मारा जा रहा है, उनके द्वारा धक्के दिए जा रहे हैं, इवन रॉड से मारा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या इंडिया ने UNSC में जो यूक्रेन है उनका समर्थन ना करने की वजह से क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि कई सारे वीडियोस यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीडियोस जो है काफी सारे निकल रहे हैं जहां पर सीधी लाते जो है वो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनको मारी जा रही है, जो एक बहुत ही खतरनाक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से निकलती है, क्योंकि जो इंडिया है उन्होंने एक अलग से ट्विटर हैंडल भी बनाया हुआ है जहां पर जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्टली उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए अब जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब ये किस तरह बढ़ेगी, अब ये जो बातचीत होने वाली है इस पर किस तरीके का निवारण यहाँ पर निकल सकता है, ये यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी। क्या यहाँ पर रशिया जो है वो मान लेता है कि अपने जो उसने जो भी इन्वेजन करने की कोशिश की उसको पीछे ले लेता है, या फिर क्या ये इतना ऊपर जा सकता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है क्या उसका भी इस्तेमाल होगा? तो ये सारी अपडेट्स मैं वीडियो के जरिए आपको देता ही रहूंगा। आप MM Academy ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।